नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही कर्ज के बोझ तले किसान आत्महत्या का दौर फिर से शुरू हो गया है। नारायणपुर के कुकड़ा झोर गाँव के हीरो किसान ने कर्ज वसूली का नोटिस मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। इस दुखद और आत्मा को झकझोर देने वाली घटना से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल की यादें ताजा हो गई हैं, जब लगातार किसानों को कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। किसानों से कर्ज की वसूली शुरू होना और महिलाओं को पहले माह से ही मिलने वाली 1000 रुपये प्रति माह की राशि का कहीं अता पता नहीं होना क्या भाजपा की गारंटी है? क्या भाजपा सरकार ऐसी ही होती है? प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पर तो भाजपाइयों के मुंह सिल गए हैं। चुनावी सभाओं में भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने किसानों का 2 लाख तक कर्जा माफ का वादा भी किया था। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रचार का अनेक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे 2 लाख तक कर्ज माफी करने का वादा कर रहे हैं। कैबिनेट में उसके बारे में भी कई फैसला नहीं हुआ। किसानों से लिखिंग में कर्जा वसूली शुरू है, क्या भाजपा की सरकार ऐसी ही होती है? प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पर तुरंत आदेश की जरूरत है ताकि किसानों से वसूली बंद हो। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव में 70 लाख से अधिक माताओं बहनों से फॉर्म भरवाकर सरकार बनते ही 1000 रुपये प्रति माह साल में 12000 रुपये महतारी बंधन के तहत देने का वादा किया था, लेकिन कैबिनेट में इस पर भी फैसला नहीं हुआ। साथ ही 500 रुपये सिलेंडर पर भी कैबिनेट में विचार तक नहीं हुआ। भाजपा की विष्णुदेव सरकार की पहले ही कैबिनेट की बैठक के फैसलों ने छत्तीसगढ़ की जनता को और किसानों को निराश की शुरुआत कर दी है। देखिए दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही किसान आत्महत्याओं का दौर फिर से वापस आ गया है। नारायणपुर जिले के कुकड़ा झोर गाँव के हीरू नाम के किसान ने कर्ज का नोटिस मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री स्वयं अपने चुनाव प्रचार में 2 लाख तक के कर्ज माफी की बात करते हुए घूमते रहे। यदि पहले ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।